हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लाल भाजी। लाल भाजी वैसे तो कई तरह से बनता है, पर आज मैं सिखाने जा रही हूँ वो चना दाल और लाल भाजी है। इसके लिए हमें चाहिए लाल भाजी। इसे मैंने धो लिया है, कटिंग करके धो लिया है साफ़ सुथरा करके, और 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च और चना दाल उसे मैंने पानी में भिगा लिया है। और बनाने के लिए सरसों तेल और स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 चम्मच, 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम होने पे आप हरी मिर्च इसमें डाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज हमारा हरा मिर्च थोड़ा पकने पर हम अपना लाल भाजी इसमें डाल देंगे। और इसे चम्मच से मिक्स कर दूँ और इसे ढक के रख देंगे, पकने देंगे थोड़ा देर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकना स्टार्ट हो चुका है। इसे थोड़ा सा हम और पकाएंगे, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे इसमें और अपना चना दाल भी डालेंगे। अभी 5 मिनट इसको और पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है। अब भाजी का पूरा पानी ये देखो सूख चुका है। अब इसमें हम अपना टमाटर डाल देंगे और इसमें तुमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिए टमाटर के ऊपर, और चना दाल भी इसी में डाल देना है। अभी और इसे ढक कर रख दीजिए और 5 मिनट बता के फिर हम इसे चेक करेंगे। देखिए हमारा 5 मिनट हो चुका है। टमाटर भी हमारे देखिए गल चुका है, चम्मच से दबाने से देखिए ये मसालेदार है, इसलिए हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इसे फिर हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे। हर 5-5 मिनट में इसे चेक करते जाएंगे हम। इसी तरह हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा भाजी अब बन के तैयार है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाल भाजी चना दाल बन के तैयार है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया है उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए फिर नया रेसिपी लेके आऊँगी, तब मिलते हैं। थैंक यू।